अगर आप लोगों ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अपना एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है तो जाहिर सी बात है कि आप काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहे होंगे अपने एटीएम और डेबिट कार्ड के लिए। लेकिन काफ़ी इंतज़ार करने के बाद, एक हफ़्ते, दो हफ़्ते, एक महीने इंतज़ार करने के बाद भी अगर आपके पास आपका डेबिट कार्ड नहीं आता है तो क्यों नहीं आ पाता है, और साथ में एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड बनने में कितना समय लगता है, आज के इस वीडियो में आप लोगों को कन्फर्म कर देने वाला हूँ। तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार वीडियो में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एटीएम कार्ड जो होता है गाइस, वो दो तरीके का होता है। एक होता है नेम प्रिंटेड एटीएम कार्ड और दूसरा होता है विदाउट नेम प्रिंटेड एटीएम कार्ड। तो देखिए, यहाँ पर दोनों एटीएम कार्ड बनने में काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफरेंस है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। जो बनने का जो टाइमिंग है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नेम प्रिंटेड एटीएम कार्ड का, ठीक है। तो देखिए, नेम प्रिंटेड जो एटीएम कार्ड होता है, वो जहाँ तक है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी फास्ट एटीएम कार्ड डिलीवरी करती है, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा से पहले तो नहीं मैं कह सकता हूँ, ठीक है। लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है काफ़ी फास्ट, स्टेट बैंक से भी फास्ट एटीएम कार्ड जो है डिलीवर करती है। तो देखिए, अब बात कर लेते हैं कि एटीएम कार्ड बनने में कितना समय लगता है, ठीक है, और कितने दिन बाद मिलता है। तो देखिए, जो एटीएम कार्ड होता है गाइस, जैसे ही आप लोग अगर अप्लाई कर दे रहे हो एटीएम कार्ड अपने बैंक में, होम ब्रांच में, ठीक है, तो एटीएम कार्ड अप्लाई होने के बाद ही तुरंत पहुंच जाता है जहां पर एटीएम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, ठीक है। वहां पर एटीएम जैसे ही मतलब आपका मतलब वेरीफाई कर दिया जाता है, तो आप लोग का एटीएम जो है एक से दो दिन के अंदर में, यानी दो दिन के अंदर में आप लोग का जो एटीएम कार्ड होता है, नेम प्रिंटेड एटीएम कार्ड होता है, वो मैन्युफैक्चर हो जाता है, यानी कि बन जाता है, ठीक। तो गाइस, बस उसमें बनने के बाद होता है क्या है कि उसमें प्रोग्रामिंग वगैरह करनी पड़ती है, ठीक है, जिससे कि आप लोग का मतलब आपका जो अकाउंट डिटेल्स है वो फैच हो सके और साथ में लिंक हो सके एटीएम के साथ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इस प्रोसेस में लगभग 3 दिन लग जाते हैं, ठीक। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जब मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर 3 दिन लग जाता है, लेकिन गाइस वो एटीएम डिलीवर होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, मैटर करता है कि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं या फिर शहरी क्षेत्र से हैं। तो देखिए, दोनों क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में आपको एटीएम कार्ड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने का मतलब ये है कि आपको 1 महीने तक भी लग सकता है आपके पास एटीएम कार्ड पहुँचने का, ठीक है। लेकिन अगर आप यही शहरी क्षेत्र में हैं तो शहरी क्षेत्र में आप लोगों को एटीएम कार्ड जल्दी से मिल जाता है, ठीक है। अब मैं आप लोग को रीज़न बता दे रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, जो शहरी क्षेत्र होता है उनमें गाइस जो डिलीवरी की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही फास्ट होती है अदर ग्रामीण क्षेत्र के अलावा, ठीक है। लेकिन अगर यही आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में है तो मान लीजिए आपके पास एटीएम कार्ड आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक। शहर में इतना टाइम नहीं लगता है। तो देखिए, अगर कहीं नॉर्मली में अगर आप लोगों ने एटीएम कार्ड अप्लाई किया है तो आप लोग कम से कम 1 महीने तक, 1.5 महीने तक आप लोग इंतज़ार करें। लेकिन अगर मान लीजिए आप लोग के पास ट्रैकिंग का जो डिटेल्स है अगर आपके नंबर पर मैसेज में आ जा रहा है, तब तो आप लोग बहुत ही आसानी से अपना एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड ट्रैक कर सकते हो कि मेरा एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड कहाँ तक पहुँचा है। लेकिन बाय मिस्टेक अगर आपके पास आपके मोबाइल नंबर पर ऐसा कुछ भी मैसेज नहीं आया है तो आप लोग जा करके एक बार होम ब्रांच में अपना जो है चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए वहाँ पर भी नहीं मिल रहा है गाइस, तो आप लोग को थोड़ा धैर्य रखना है और करीबन 1 से 1.5 महीने तक इंतज़ार कर लेना है। अगर नहीं आया इसके बावजूद भी गाइस, तो आप लोग जाकर के रीअप्लाई कर सकते हो। तो आई होप कि आप लोग को चीज़ें समझ में आई होगी कि मैं जो आप लोग को बताना चाहता हूँ। और कुछ चीज़ें और भी मैं आप लोग को बता दूँ कि देखिए, कभी कभी होता है ये है कि जो एटीएम कार्ड का जो डिटेल्स होता है, ठीक है, वहाँ पर आप लोग जब अपना होम एड्रेस फिल करते हो तो वहाँ पर एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 भी होता है, ठीक है। तो देखिए, दोनों एड्रेस में आप लोग को सेम एड्रेस नहीं फिल कर लेना है, ठीक है। मान लो पहले एड्रेस लाइन 1 में आप लोग अपना मेन एड्रेस दे दिए, सेकंड लाइन में आप लोग थोड़ा सा एड्रेस दिए, इसके बाद आप लोग अपना मोबाइल नंबर उसमें ज़रूर लिख देना, ठीक है। ऐसे में होता क्या है गाइस कि अगर मान लीजिए आपका जो भी पोस्टमैन है अगर आपके पास डिलीवर करने आता है तो अगर उसी एड्रेस पर अगर आप नहीं मिल रहे हो तो उसमें आपको आपका कॉन्टैक्ट नंबर उस एटीएम कार्ड पर दिख जाएगा। ऐसे में आप लोग को फ़ोन के जरिए आपके पास कांटेक्ट करके आपको एटीएम कार्ड डिलीवर कर देगा। गाइस, आप लोग को ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप लोग एटीएम कार्ड अप्लाई करने जा रहे हो तो सेकंड एड्रेस लाइन में आप लोग अपना जरूर मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर दे देना। तो आई होप कि आप लोग को चीज़ें समझ में आया होगा कि कितना टाइम लग जाता है, कितना टाइम एटीएम कार्ड बन करके आता है। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।